नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है भारत के लिए, यह हम आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि अमेरिका के यूजीन में खेला जा रहा है, वहां पर जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भारत के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है और सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि नीरज गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चारों तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहा है और नीरज ने भी जीत के बाद कहा है कि वो खुश हैं सिल्वर मेडल जीतकर, और अगले साल जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा तो वो इसे बेटर करना चाहेंगे, जो ये बताता है कि वो उनकी नज़र जो है वो अगले बार टॉप पर रहने की है, गोल्ड जीतने की है। इस बार इस मैच पे और ये जो मुकाबला हुआ जैवलिन थ्रो का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोजेश हैं। प्रोजेश, गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन कुछ दिन पहले हमने अपने वेबसाइट पे लिखा भी था कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जो है एंडरसन पीटर्स के रूप में ग्रेनाडा के जो हैं वो रहेंगे फाइनल में, और ये हुआ भी। वर्ल्ड नंबर वन है ग्रेनाडा के जो जैवलिन थ्रोअर हैं एंडरसन, क्या लगता है लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा दिन भारतीय खेल जगत के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से नीरज ने ओलंपिक में परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल जीता था तो उसके लिए भारतीयों की आशाएं काफ़ी बढ़ गई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीरज गोल्ड मेडल जीते, लेकिन ग्रेनाडा के जो एंडरसन हैं वो इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लगातार 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक रहे थे, तो एक चांसेस था कि दोनों के बीच में ही कंपटीशन होगा और वही हुआ भी। नंबर वन पर एंडरसन रहे और नंबर टू पर नीरज चोपड़ा रहे, लेकिन भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि 19 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल मिला है, वो भी सिल्वर मेडल, तो ये एक काफ़ी खुशखबरी है, काफ़ी राहत देने वाली है भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। जितने भी स्पोर्ट्स लवर है वो चाहते थे कि नीरज गोल्ड जीते, लेकिन फिर भी सिल्वर एक काफ़ी तृप्तिदायक चीज़ है ये कह सकते हैं। वो एक्चुअली हमारे नीरज से उम्मीदें काफ़ी थी और नीरज ने ऐसा करके दिखाया भी है, वो भारत की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और जो टोक्यो में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। और दिलचस्प ये प्रोजेश कि जब टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा था तो नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था और वहाँ पर एंडरसन फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसी तरह से, और इन दोनों की राइवलरी कोई नई नहीं है, अंडर 20 जब एक टूर्नामेंट हो रहा था 2016 की बात है, उस वक्त भी नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड अंडर 20 में और वहां पर भी तीसरी पोजीशन पर थे एंडरसन। तो इस तरह से मतलब इसके अलावा पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले जो 2018 में हुआ था, वहां पर भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और वहां पर भी जो एंडरसन पीटर्स हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो कुछ मौकों पर नीरज ने उनको पछाड़ा है और वो बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन आप कहते ना अगर हम इस फाइनल की बात करें तो जब आपका पहला ही थ्रो फाउल हो जाता है तो, और सामने जो है आपका जो मेन प्रतिद्वंद्वी जिसे आप कहिए एंडरसन के बाद मैं कर रहा हूं, तो वो 90 को रेगुलर इस साल हिट कर रहा है। दोहा में तो उन्होंने 93 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया था, तो वो आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं और आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और जब पहला ही अटेम्प्ट फॉल होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो शुरू के जो 3 थ्रो होते हैं उसके जरिए तय होता है कि टॉप 8 में कौन लोग आएंगे, तो शुरू के 3 थ्रो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो पहला आपका फॉल हो गया, फाउल हो गया, और दूसरी तरफ जो आपका प्रतिद्वंद्वी है उसने अपने पहले ही ये में 90 हिट कर दिया, 90.21 एंडरसन का पहला हिट था, तो यहां से एक दबाव आप कह सकते हैं कि वो दिखता है। और यही वजह है कि जब दूसरा थ्रो करने आए नीरज तो वो भी 82.39 मीटर का ही रहा जी। और आप कहेंगे कि जहां तक एंडरसन की बात है तो उन्होंने दूसरा भी 90 हिट किया, 90 मीटर से ज्यादा हिट कर दिया, तो जब इतना का एक मार्जिन होता है तो एक दबाव आप पे बनना पड़ता है। जहां तक नीरज की बात है, जो चौथा थ्रो उनका हुआ वही बेस्ट रहा 88.13, और उसमें जो है और वही एकमात्र दौर है जहां एंडरसन उनसे थोड़े से पीछे रहे 88.11। लेकिन जब आप पे एक दबाव बन जाता है कि सामने वाला 90 मीटर अब अचीव कर चुका है, अब आपको उससे ज्यादा फेंकना है, तो
आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते ही डालते हैं और यहाँ पर चूक की संभावना भी बढ़ती है, और यही कुछ हुआ नीरज के साथ। पांचवा और छठा जो उनका थ्रो था वो फाउल हो गया, और जब सामने वाले को पता चल जाता है कि अब मेरे सामने कोई नहीं टिका, तो जो लास्ट अटेम्प्ट था एंडरसन का वो बेस्ट रहा, 90.54 का मीटर का उन्होंने ये थ्रो किया, तो एंडरसन के हिस्से जो है गोल्ड आया, लेकिन नीरज को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, सबसे खास बात ये अंजू बॉबी जॉर्ज को हम लोग सबको ही जानते हैं, 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने लंबी कूद में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब जो है उसको सुधार करते हुए 19 साल के बाद नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल, उस ब्रॉन्ज को अब सिल्वर में मिल गया है, तो अब भारत के नाम जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी हो गया है, तो एक आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विजय है। भले ही गोल्ड नहीं जीत पाए नीरज, लेकिन ये एक ऐतिहासिक विजय है भारत के लिहाज से। जी बिल्कुल, नीरज के लिए भी ये काफी चुनौतीपूर्ण था। इससे पहले 2 वर्ष वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुए थे, उसके जो पिछले वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने सेमीफाइनल में ही उनका सफर थम गया था, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो नीरज के लिए ये काफी बड़ी उपलब्धि है, और साथ में इंडिया के लिए भी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है, क्योंकि इंडियन एथलीट काफी अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाए वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हमने देखा कि 19 साल पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी वो ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और लगभग एक काफी बड़ा जो फासला है 19 सालों का, उसके बाद सिल्वर मेडल इंडियन टीम को मिलना ये गर्व की बात है, और नीरज ने ये कर दिखाया, और कंसिस्टेंटली नीरज अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने डायमंड लीग में भी देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस लिहाज से एक काफ़ी अच्छा दिन है इंडियन एथलीट्स के लिए, इंडिया के लिए कह सकते हैं, कि और भी जो इंडियन एथलीट है उनको भी काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा, और ये प्रेरणादायी जीत है ये, और हम कह सकते हैं प्रजेश की ये नीरज चोपड़ा ने जो ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वो जो खिलाड़ी जो उभर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब नीरज चोपड़ा को जीतते देखते हैं तो प्रेरित होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग क्रिकेट को पहले चॉइस के तौर पर लेते हैं, अन्य खेल यहाँ पिछड़ जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे देखने के लिए एक आइकॉन की ज़रूरत होती है, तो जिन्हें देखकर आप खेलना शुरू करते हैं। जब 1983 में इंडिया ने विश्व कप जीता, तब जाके जो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे वो क्रिकेट की ओर जो है अग्रसर हुए, और उन्होंने चाहा कि वो क्रिकेट को अपनाएं। उससे पहले हॉकी का एक क्रेज था इंडिया में, आपने ओलंपिक्स में इतने सारे गोल्ड जीत लिए थे, 8 गोल्ड जीत लिए थे, कि लोग हॉकी खेलना चाहते थे। तो इसी तरह से होता है कि हर खेल में एक आइकॉन चाहिए। अभी बैडमिंटन में जब से साइना नेहवाल पीवी सिंधु आई हैं, आप देखिए कि लोग बैडमिंटन में पावर हाउस बन गया इंडिया। तो इसी तरह से एथलेटिक्स में आप थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, अब नीरज चोपड़ा के रूप में वो आइकॉनिक फेस आपको दिख रहा है कि हाँ, आप एथलेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करके नाम शोहरत कमा सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, और यही काम नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर जो आने वाली जनरेशन होती है वो प्रेरित होती है, और जब खिलाड़ी किसी खेल के प्रति जो है अपने आप को उस खेल में डालना चाहते हैं, तो अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस भी सुधरता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीरज चोपड़ा का जो ये परफॉर्मेंस है वो प्रेरणादायी होगा। नीरज चोपड़ा एक आइकॉनिक फेस बन चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें देखकर बच्चे जो है वो एथलेटिक्स की ओर, जैवलिन थ्रो की ओर आना चाहेंगे, इस खेल को अपनाना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, खेल जगत पर हमारी नज़र बनी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।